हे गाइस, मुझे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिले मनी प्लांट के ऊपर कि मनी प्लांट को कैसे ग्रो किया जाए, स्पेशली लॉन्ग बुशी मनी प्लांट्स। तो आज हम एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करेंगे। आज हम जो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करने वाले हैं वो एप्लीकेबल है मनी प्लांट्स की सारी वैरायटी के ऊपर। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है राइट रिसोर्सेस। रेगुलर फर्टिलाइजर की है न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड कराने के लिए। मैं यूज करता हूँ कंपोस्ट और सीवूड सॉल्यूशन हर महीने टू फर्टिलाइज माई मनी प्लांट। ये हेल्प करता है उन्हें फुल एज ग्रो करने में। मुझे पता है मनी प्लांट को पानी में ग्रो करना बहुत कॉमन है, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसमें फर्टिलाइजर नहीं ऐड करें क्योंकि ये फंगस को अट्रैक्ट करता है। आप पॉट का पानी रेगुलरली चेंज करें, इससे पानी के न्यूट्रिएंट्स मनी प्लांट को मिलते रहें। जो दूसरा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है सनलाइट। मनी प्लांट श्योरली पनपते हैं लो लाइट में, पर अगर आप चाहते हैं कि मनी प्लांट रैपिडली ग्रो करे और हमेशा हेल्दी रखे, तो आप उन्हें फिल्टर्ड सनलाइट पे रखें और उन्हें ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रखें। जो दूसरा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है वाटर। अगर आप नोटिस करें कि पत्तियों की एज सूख रही है तो ये डेफिनेटली वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये रूल सारे प्लांट्स पर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हमें सूखी हुई पत्तियाँ रिमूव करना है और फिर सॉइल को सूखने दें दोबारा पानी देने से पहले। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज पानी दिया है तो वेट करिए कि सॉइल पूरी तरह से सूख जाए। आप सॉइल को छू कर टेस्ट कर सकते हैं। अगर सॉइल आपके हाथों पर चिपक रही है तो आप वेट करिए कि सॉइल पूरी तरह से सूख जाए और फिर आप पानी दीजिए, और तब तक दीजिए जब तक पानी पॉट से बाहर ना आ जाए। जो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्रॉपर प्रूनिंग और क्लिपिंग। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की किस प्लांट से। तो इसकी दो स्टेम ग्रो कर रही है, अगर मैं इसे इसी तरह से ग्रो करने देता हूँ तो ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा, पर ये थिनर दिखेगा और ये बूशर लुक नहीं दिखेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हैवी दिखे तो हमें इसे क्लिप करना पड़ेगा, जिससे कि हम प्लांट की साइड ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो हमें प्लांट की स्टेम को दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसा लुक देना चाहते हैं। मनी प्लांट इस साइज में ग्रो करने के लिए 6 से 8 महीने लगते हैं। एक और फर्टिलाइजर है जो मनी प्लांट के लिए यूजफुल है, चाय की पत्तियां। जी हाँ, चाय की पत्तियां। आप चाय की पत्तियां मनी प्लांट में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाय की पत्ती को पानी में एक दिन के लिए गला के रख दें और नेक्स्ट डे आप चाय की पत्तियों का पानी मनी प्लांट के पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे उन पर शाइनिंग आ जाती है। या फिर आप चाय की पत्तियों का पानी डायरेक्ट सॉयल में भी डाल सकते हैं, जिससे कि मनी प्लांट हेल्दी बना रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द रेड बटन। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।